ऑलराइट, तो आज हमने क्या करना है? सो वी आर गोइंग टू मेक ए न्यू प्रोजेक्ट एंड आई होप सबने इंस्टॉलेशन कर ली होगी विंडोज फॉर्म एप्लीकेशंस की। ठीक है, जिसने नहीं की वो कर ले क्योंकि आज की असाइनमेंट है, आज रात को ड्यू हुई है। ठीक है, अच्छा, इट्स वेरी इजी, यू विल इजीली मेक इट। अभी आपके सामने बना के दिखाता हूँ। सो यहां से आपने क्या सिलेक्ट करना है, यहां से लैंग्वेज आपने सी शार्प सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में, और यहां पे आपने विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और यहां पे आप नेक्स्ट करेंगे और यहां पे इसका नाम रखेंगे कैलकुलेट। ठीक है, और यहां पे आप नेक्स्ट करेंगे, यहां पे आप क्रिएट कर देंगे और ये आपकी आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चल जा भाई। ठीक है, और ये आपके सामने जो बना बनाया हुआ नजर आ रहा है, ये आपकी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन। ये आपकी पहली विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है। ठीक है, आपके सामने अभी तक मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखा नहीं लिखा है ना, एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। वाजवा, इस प्रोग्राम की आउटपुट आपके सामने आ रही है। ये क्या है, ये आपको मैं दिखाता हूं। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली इस प्रोग्राम की आउटपुट है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करूं तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन है। इसको मैं दोबारा डबल क्लिक करूंगा क्या होगा? ये करूंगा तो क्या होगा? ये करूंगा तो क्या होगा? ठीक है, और ये था ना, इससे बंद करूंगा क्या होगा? बंद हो जाएगा। ये सारा काम जो है किसी भी विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में होता है, एंड बाय जस्ट सेलेक्टिंग कि मैं एक विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बना रहा हूं। ठीक है, आप उससे सिर्फ इनहेरिट करते हैं और ये तमाम फंक्शनैलिटी आपके पास बाय डिफॉल्ट आ चुकी हुई है, आपके प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट आ चुकी हुई है, ऑल ड्यू टू इनहेरिटेंस। यू हैव नॉट रिटन ए सिंगल लाइन ऑफ कोड। दिस इज नॉट स्मॉल थिंग, दिस क्रिएटेड ए बिग रेवोल्यूशन। एक्चुअली जब ये विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन आई तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने आके तहलका मचा दिया। ठीक है, जो मैकिंटॉश वाले लेके आए। ठीक है ना, फिर विंडोज ने इसको कॉपी किया, फिर बाद में लिनक्स ने भी कॉपी कर दिया। ठीक है, बिकॉज और कोई तरीका नहीं था। ठीक है, तो ये आपको जगह जगह नजर आती है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बड़ी मजे की बात दिखाता हूं। यहाँ पे आपको यहाँ पे डेटा सोर्स नजर आ रहे होंगे। ओए, ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? लो जी, नो यूजर टू कंट्रोल। क्या हो गया? या कंपोनेंट्स आए? कंपोनेंट्स सीधे इंस्टॉलेशन की थी। हाँ, लेकिन उसमें उस तरह से नहीं, मैक्सिमाइज उस तरह से होता है डबल क्लिक के ऊपर।
अच्छा मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ उसके अंदर, ठीक है। एक्चुअली यू आर राइट, आपकी कंसोल एप्लीकेशन भी उसी से इनहेरिट हुई है। आपकी कंसोल एप्लीकेशन की जो आउटपुट होती है ना, वो भी बेसिकली वो भी उससे इनहेरिट होती है, आपको दिखाते नहीं हो। रिस्टार्ट शेयरिंग। मुझे लगता है इसकी इंस्टॉलेशन ठीक नहीं हुई। फॉर्म एप्लीकेशन यदि किसी और ने अगर इंस्टॉल किया दिखाना मुझे। तुम्हारा तो मैंने उसी का लिंक फॉलो किया था। क्या 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 इंस्टॉल करवाया था? एक डॉट नेट डेस्कटॉप था, ऊपर होगा ये वाला एक जेल करवाया था, और यहाँ से एक करवाया था 4.8 वर्जन डॉट नेट का ही, वो इस पर क्लिक करेंगे तो शायद खुलता है वो। इस पर क्लिक करें। ये इसलिए क्यों नहीं किया? ये करवाया ही था। ये वाला प्रोग्राम था 4.8.1। ये दिखाएं। क्या था ये? था ये टूल बॉक्स मुझे नजर नहीं आ रहे थे। कंट्रोल ऑल्ट एक्स था, अगर ये प्रेस करें तो ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। अच्छा ये बेसिकली क्या है, ये ना ये विंडोज फॉर्म एप्लीकेशंस के अंदर काफी सारे बने बनाए बॉक्सेस हैं, कंटेनर हैं, जो के आपको दिए गए हैं, इनकी क्लासें बना के आपको दी गई हैं। आप चाहें तो उनको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूं कि मैंने कैलकुलेटर बना यूज करना है, सो अगर आप इस कैलकुलेटर को देखें तो ये बेसिकली क्या चीज है,
थोड़ा यहाँ पे अच्छा नजर नहीं आ रहा, वरना दे आर एक्चुअली बटन्स, दे आर ऑल बटन्स, एंड हियर देयर इज अ टेक्स्ट स्क्रीन। ये जो आपको नंबर यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली स्क्रीन है, एक्चुअली ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये जो तुम्हें नजर आ रहा ना, ये एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। सो यही हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एड करना, ठीक है। ओके, सब एक काम करते हैं, पहले अपनी ये जो हमने स्क्रीन बनाई है इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा विजिबल ठीक कर लेते हैं। आई थिंक ये शेप ठीक है, इतनी शेप ठीक है, ठीक है। और स्क्रीन का नाम, स्क्रीन को क्या रखें हम, ये टेक्स्ट बॉक्स होगा, और टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे कहीं रख देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ये जैसे ही हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे ना, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ पे ना ये पहले फॉर्म था, अब अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको नीचे ना इसकी प्रॉपर्टीज नजर आ रही होंगी। ये प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली इसकी इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज है। किस तरह की प्रॉपर्टीज होती है, बेसिकली आप समझ लें कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मौजूद ट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे फिलहाल साइज लिखा हुआ है कितना, ये देखें 475/20 है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 40 कर दूं तो ओके, नहीं ये कह रहा है मैं आपको ज्यादा नहीं देता क्योंकि वो फॉन्ट डिपेंडेंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ऊपर आते हैं ना, यहां पर देखें पूरी एक लिस्ट नजर आ रही है उसकी प्रॉपर्टीज की। तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे कहीं देखें, फॉन्ट नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है फॉन्ट, आई थिंक आपको जो पीछे बैठे नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इस फॉन्ट को उठाऊं तो यहां पे फॉन्ट जगह चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं फॉन्ट इसका होना चाहिए 26, ठीक है। सो लुक एट दिस, ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन बड़ी हो गई है, यानी हम इसमें जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा, वो थोड़ा बड़े फॉन्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को चला दूं तो आपके ख्याल में क्या होगा, हमारी एक स्क्रीन नजर आएगी आपको और उसके अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स है, और मैं चाहूं तो इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। बट कैलकुलेटर में मुझे बताएं इस स्क्रीन में कुछ लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको मजे की बात बता दूं, ये मैं इसको दोबारा से हाइड कर देता हूं। सबसे पहला काम आप तो ये करें, इस पे जाके ना डबल क्लिक ना करें, बल्कि एक काम करें आप जाके यहां जाके इसमें ना कहीं नेम का एट्रीब्यूट होगा, ये लिखा हुआ नेम, ये देख रहे हैं ये नेम है, ये देखें यहां पे छोटा सा लिखा हुआ नेम, ये थोड़ा फॉन्ट छोटा नजर आ रहा है, तो पीछे बैठे हुए तो शायद जिनको थोड़ा सा आगे आना चाहते आगे आके बैठ जाए यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक बार देख लें आगे तो अच्छी बात, तो वो लोग जो पीछे बैठे हैं ना दो तीन रोज वो थोड़ा आगे आ जाए, ठीक है। हाँ जी, सॉरी, कैमरे का फोकस खराब है, क्या कर सकते हैं, एक मिनट यार थोड़ा जल्दी आ जाओ प्लीज यार, बैग तो उठा के ला रहे हो, बैग नहीं रहे होते, टूल्स ऑप्शन, यार वो क्या कहां पर था ऑप्शन थी, अगर हमने उसकी चेंज करनी होती थी, खामोश प्लीज, यप प्लीज सर,
अच्छा खैर, अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो इधर जो आपको क्या करना चाहिए, पहला काम तो ये इसका नाम है ना, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स वन लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट आप जितनी भी चीजें बनाएंगे ना, उनका नाम वन टू थ्री के साथ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक बटन ऐड करेंगे तो आएगा बटन वन, फिर बटन टू, फिर बटन थ्री, बटन फोर। सो आपकी जिम्मेदारी है आप जाकर इसका नाम चेंज करें। पहला काम यह, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप ऐड करें उसका नाम जाकर यहाँ पे चेंज करें, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट बॉक्स वन रखा हुआ है नाम इसका, तो मैं इसका नाम रखकर चेंज करता हूँ स्क्रीन कर देता हूँ। अब असल में पता क्या हुआ, पीछे बैकएंड पे ये हुआ है, आपको बताता हूँ, ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा। बैकएंड पे असल में ये हुआ है कि ये जो हमने फॉर्म की क्लास बनाई है ना, ये जो फॉर्म की हमारी जो ये बेसिकली बैकएंड पे क्लास बनी है, तो दिखाता हूँ क्लास बनती है। ये जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर एड किया, ये कॉम्पोजिशन हुई है। ओके, क्या हुई है? क्योंकि वो उसके अंदर है, इसका ऑब्जेक्ट बना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑब्जेक्ट बना भी हुआ होगा, ठीक है। यानी न्यू के थ्रू मेमोरी एलोकेशन हुई होगी। ओके, अब एक और चीज दिखाते हैं। अब जब फॉर एग्जांपल यहां पे पहले टेक्स्ट बॉक्स वन रखा हुआ था नाम, अब इसका नाम क्या रख दिया आपने, स्क्रीन रख दिया। तो इसका नाम स्क्रीन, उसका उस ऑब्जेक्ट का नाम स्क्रीन होगा, ठीक है। ऑलराइट, अगर आप देखें कुछ और भी चीजें हो सकती है। फॉर एग्जांपल आई थिंक इसमें कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि होनी चाहिए रीड ओनली। सॉरी, लॉक तो शायद कुछ और चीज है मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज जो उनके मुझे पता भी नहीं होगा। थोड़ा ऊपर जाते हैं, यहां पर कहीं देखें रीड ऑनली लिखा हुआ है। बाय द वे ये देखिए टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट क्या बताता है पता है? ये बाय डिफॉल्ट इसमें क्या लिखा हो, फिलहाल क्या चलाते तो क्या लिखा था, एम्प्टी लिखा होता ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्स्ट देता हूं जीरो, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जीरो। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देता हूं राइट, तो वह राइट साइड पर आ जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज है उसकी। इसी तरह आई थिंक यहां पर रीड ऑनली होना चाहिए, यहां पर कहीं बिहेवियर कहीं है रीड ओनली, बिहेवियर के अंदर देखिए मल्टी लाइन भी है, मल्टी लाइन की जरूरत नहीं है, ये ना रीड ओनली। इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्रू कर दूं, तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल एफ फाइव दबाऊंगा तो ये देखिए मैं कुछ भी लिखूं, ये लिखने नहीं देगा मुझे, ये बात समझे। अच्छा गौर से मेरी बात सुन, आपका जो प्रोजेक्ट है वो विंडोज फॉर्म से इनहेरिट हुआ है, ठीक है, जो आपने बनाया, इसका फिलहाल नाम क्या है, बड़ा गंदा सा नाम है यहाँ पे, फॉर्म वन डॉट सी शार्प, ठीक है। सी शार्प बेसिकली क्या है, एक और लैंग्वेज है, ठीक है, बड़ी मजे की लैंग्वेज है, ठीक है, जो आमतौर पर काफी यूनिटी गेम डेवलपमेंट ने उसको काफी ज्यादा धारस्ती है, ठीक है, बड़े चीज के ऊपर काफी मजे का काम किया, ठीक है। ये विंडोज, ये सी शार्प शुरू में तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको काफी ऊपर उठाया था, फिर अब तो यूनिटी गेम डेवलपमेंट ने उसको बहुत ही ऊपर उठा दिया, ठीक है, और बहुत मजे की है। आई मीन यू विल, आपको शायद एक 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए उसको उसके अंदर काम करने के लिए, ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए, फॉर एग्जाम्पल सी शार्प के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते, ठीक है, एक्चुअली सब चीजें ही पॉइंटर्स होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो उनको बताते हैं, वो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो पॉइंटर्स के बारे में फिक्र नहीं है, लेकिन एक्चुअली सब कुछ ही पॉइंटर्स होता है, ठीक है। जावा के अंदर भी सेम ही सीन है, ठीक है। अच्छा खैर, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सी शार्प में, और मैं आपको मेन सीधा फर्क बता देता हूं क्या है। आप जब भी हम क्लास का नाम लिख के ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो आमतौर पर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है ना, हम कहते हैं ना क्लास का नाम। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये, अगर मैं आपको ये कहूं फॉर एग्जाम्पल क्लास है ए, और मैं कहता हूं ए ओबीजे, है ना। तो सी प्लस प्लस के अंदर, C++ के अंदर ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। C sharp के अंदर जब कहते हैं ना A O B J, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना, एक्चुअली ये पॉइंटर बना, एक्चुअली ये क्या बना, पॉइंटर बना, और इसमें आई डोंट नो कोई गार्बेज एड्रेस होगा, ठीक है। सो अगर आपने इसको कोई असाइनमेंट करनी है तो आप करेंगे न्यू ए, और यहां पे आपने जो भी पैरामीटर भेजे, That's the difference. That's the only difference. Okay? अगर आप ऊप वाइज देखें ना तो सिंटेक्स वाइज ये फर्क है कि बाय डिफॉल्ट जो बनता है वो एक्चुअली क्या होता है, पॉइंटर होता है, ये बात समझ। इसका बड़ा खतरनाक मतलब है, मतलब यह कि अगर आप क्लास के अंदर दूसरी क्लास का एक फंक्शन के अंदर एक क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो क्या पास हो रहा होगा, पॉइंटर पर, कॉपी शॉपी कभी भी नहीं होनी,
कॉपी शॉपी होनी नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर उसने कोई चेंजेस कर दी तो वो चेंजेस हर जगह हो जाएंगे। ये बात समझ आई? ये चीजें आप खुद पढ़ेंगे जाके, ठीक है। फिलहाल मेरा काम ये नहीं करता हूँ, ठीक है। ये चीजें जो ऊप की है वो आपको डिटेल पढ़नी है, खुद जाके पढ़ें, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है, आपको एक अच्छी लैंग्वेज, एक और मजेदार लैंग्वेज है जो क्या आ जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा जी, आप सुने मेरी बात हो आपसे। हमने तो बनाया ना कैलकुलेटर, ठीक है। तो मैं करता हूं यहां पे जाके बटन ऐड करता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा ये बटन है, ठीक है। इस बटन का ऑफकोर्स उसने नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? बटन बंद। बाय द वे, ये लिखा हुआ टेक्स्ट, टेक्स्ट नाम नहीं होता। टेक्स्ट वो होता है जो आप उसके ऊपर दिखाना चाहते हैं। आपको ये बात सुन भाई, नेम और होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट की जगह तो मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूंगा जीरो, ठीक है। लेकिन बेशक इसका फॉन्ट बड़ा करना है तो आप फॉन्ट बड़ा कर दें। फॉन्ट पे गए, यहां जाके बेशक उसका फॉन्ट बढ़ा कर दिया, यहां जाके मैंने 16 कर दिया, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, लेकिन एक काम करते हैं जाके, मैं यहां नीचे जाता हूं, देखिए नीचे कहीं नेम दोबारा आया, ये रहे नेम आ रहा। पहला काम करें आप जाके इसका नाम चेंज करें, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम करता हूं क्या, ये अगर मैं जीरो रख दूंगा तो एरर दे देगा, ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे रहा? क्योंकि इट इज एन इनवैलिड नेम। किसी भी वेरिएबल का नाम जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स इसको कैंसिल करना चाहिए, और सबसे पहले इसका नाम है क्या? जीरो, ओके। अब मैंने इसका नाम रखा जीरो, ओके। नाम और चीज है, टेक्स्ट और चीज है। टेक्स्ट है जो कि आप उसके ऊपर दिखाना चाहते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा एक और बात सुने, अब अगर अच्छा मैं आपको मजे की बात बता दूं, अभी आपने एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा, अभी तक मैंने एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा, और क्या चीजें बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल F5 दबाता हूं तो आपको स्क्रीन के ऊपर दो चीजें नजर आ रही होंगी। क्या चीज नजर आ रही है? एक बटन भी नजर आ रहा है और एक आपको ये स्क्रीन भी नजर आ रही है। आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या हो रहा है बेटा? आपको नजर आ रहा है प्रॉपर? ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑल राइट जी, इसका रीड ओनली, किसका रीड ओनली टू गया? स्क्रीन का, हाँ जी, ठीक है। नहीं नहीं, मैं लिखूंगा। रीड ओनली ट्रू करने का मतलब यह है कि जो बाहर की दुनिया है वो इधर लिख नहीं सकती, मैं पीछे बैकएंड पर लिख सकता हूं, ठीक है। और अपने कोड के थ्रू हम इसमें लिखवाएंगे, ठीक है। रीड ओनली का मतलब सिर्फ यह है इस प्रॉपर्टी का कि बाहर की दुनिया इसको नहीं लिख सकती। बिल्कुल, हम एक्सेस करेंगे, अभी कोड में जाएंगे। अब असल मजा तो अभी आना है, ठीक है। अभी तो सिर्फ वार्म अप हो रहे हैं हम। सो अच्छा, अब मैं थोड़ा सा काम अच्छा बाद में एक छोटी सी बात वो देखिए, अगर गलती से अच्छा अब मैं एक और काम कर रहा हूं, ये जीरो है। जीरो यूजुअली यहां होता है, ऐसी है, और हम यहां बटन लगाते हैं, बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। ये मैं क्यों कॉपी करने को कह रहा हूं? ताकि साइज सेम हो जाए। तो एक्चुअली मैं इसे डिलीट करता हूं, यहां जाता हूं, कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल वी करता हूं, और इसको उठा के, ओहो, इसको उठा के यहां रखता, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहां रखते हो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहां से उठा के यहां रखते, ठीक है। अब एक और काम भी कर लेते हैं, वो ये कि इन सारों को उठाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी उठाते हैं और यहां से यहां रख देते हैं, ठीक है, और इस जीरो को उठा के ये थोड़ा अलाइन कर देते हैं, ठीक है। अब तो ये सारे जीरो 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 लग रहे हैं, तो मुझे तो ये नहीं चाहिए। बेसिकली क्या होना चाहिए? यहां नाम होना चाहिए, टेक्स्ट क्या होना चाहिए बेटा? 9 होना चाहिए, आई थिंक 1 2। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो ये वन करें, ये वन करें, व्हाट डू यू वांट? अच्छा मैं इसको ऐसे करूं, एक मिनट जी, एक मिनट प्लीज, खामोश, बस 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 बस। इस मेटल का नाम मैं रख रहा हूं
1 और इसका जो टेक्स्ट है वो कितने गया टेक्स्ट है? टैक्स किधर गया हाँ ये रहा टैक्स, टैक्स कर देते हैं 1, ठीक है। यहां पे टैक्स कर दिया 2 और नाम कर दिया क्या 2, ठीक है। फिर आप यहां गए, यहां आके आपने इसका नाम कर दिया 3 और इस पे जो टेक्स्ट लिखा है वो भी कर दिया हमने क्या 3, ठीक है। बाकी मैं नहीं कर रहा, बाकी आप खुद कर दीजिए, ठीक है। ये जो 0 है इसको मैं कर देता हूं, ये हमने कर दिया है नाम से और ये 0, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। कंट्रोल एस, ये ना हमारी एक form.c# की फाइल है, इसको अगर आप ओपन करें तो यहां पे आपको 2 चीजें नजर आ रही होंगी। ये डिजाइनर है, इसको आप डबल क्लिक करें तो आपकी ये C# की फाइल खुल जाएगी और मैं इसको ये आपको दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा आपका सिंटेक्स अनफेमिलियर होगा बट डोंट वरी, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। एक काम मैं और कर देता हूं कि मैं यहां गया, इसका नाम राइट क्लिक करता हूं और रीनेम कर देता हूं। क्या नाम रखते हैं मुझे? माय कैलकुलेटर। और इस फॉर्म 1 पे गया, यहां पे जाके इसका नाम रीनेम कर दिया और क्या नाम रखा? माय कैलकुलेटर, ठीक है। वो पूछेगा यू आर रीनेमिंग ए फाइल, वुड यू लाइक टू ट्रांसफॉर्म ए रीनेम इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ ऑल अकरेंसेस ऑफ फॉर्म 1, एंड आई विल से यस, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा अब एक छोटी सी मैंने आपको बात बतानी है और वो ये बात है। अच्छा बाय द वे, जैसे ही आप इस, ये आपकी डिजाइनर फाइल थी, ये आपकी C# फाइल थी, ठीक है। ओके, अच्छा ये मैं आपको भी दिखाता हूं, ये देख रहे हैं क्या हुआ है? ये जो बाद में इसने जो क्लास बनाई है उसका नाम क्या लिखा है बताएं? पढ़े क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है फिलहाल? क्या लिखा हुआ है? ये तो हमें, इतना तो हमें पहले ही पता है, ये क्या चीज है? पार्शल क्लास क्या होती है? C# में ना एक बड़ा खूबसूरत आइडिया, और वो आइडिया ऐसे कहते हैं पार्शल क्लासेस। सो व्हाट यू डू इज कि हम आम तौर पे C++ में जब काम करते हैं तो हेडर फाइल अलग बनाते और CSV फाइल अलग बनाते, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं करते, यहां पर एक्चुअली उन्होंने बड़ा मजे का काम किया है कि आप अपनी एक क्लास को मल्टीपल फाइल्स में जाकर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपने क्लास बनानी ए, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, एक मैसम बना रहा है और एक जो है वो फातिमा बना रही है और एक आयशा बना रही है, ठीक है। क्लास सेम, व्हाट दे विल गोइंग टू डू इज दे विल गोइंग टू मेक पार्शियल क्लासेस, सेम क्लास का नाम होगा लेकिन वो पार्शियल क्लासेस होंगे। आपको ये बात समझ आई? ठीक है, और कंपाइलर बैकएंड पे क्या करता है? उन सारी पार्शियल क्लासेस को आपस में कंबाइन करता है जब आप बिल्ड करते हैं अपने प्रोग्राम। आपको ये बात समझ आई? ठीक है, वेरी स्मार्ट आइडिया कि आप अलग अलग कर दें चीजों को, ठीक है। अब बाय द वे, ये जो आपके सामने फाइल नजर आ रही है ना, इसका नाम है mycalculatordesigner.c#, ये फाइल एक्चुअली इसके अंदर ये आपके लिए क्लास, ये पार्शियल क्लास है, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक ना मजेदार चीज करता हूं, वो ये, यहां गया मैं, यहां जाके मैंने सब क्लिक किया। अब एक मजे की चीज हुई है,
यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये पढ़े यहां पे क्या लिखा हुआ है, पब्लिक पार्शल क्लास माय कैलकुलेटर कॉलम फॉर्म, ये क्या चीज है, इनहेरिटेंस। ओके, ये बाय द वे ये जो आपकी ये जो फाइल खुली है इसका नाम माय कैलकुलेटर डॉट सी शार्प, और पहले वाली कौन सी थी, वो थी माय कैलकुलेटर डॉट सी शार्प, ये दोनों सेम नजर आ रही है आपको, सॉरी माय कैलकुलेटर डिजाइनर डॉट सी शार्प, ये जो डिजाइनर वाली फाइल होती है ना, ये जो डिजाइनर वाली फाइल, ये कंपाइलर खुद जनरेट करता है, ये कंपाइलर खुद जनरेट, आप उस आप नहीं कुछ करते इसके अंदर, आप जो कोड करते हैं ना ज्यादातर वो किसमें जाकर करते हैं, वो आखिर इस फाइल में जाकर करते हैं, ठीक है। और कंपाइलर बैकएंड पे क्या करेगा, इन दोनों फाइल को एंड में जाकर क्या करेगा, कंपाइल कंबाइन करेगा, लिंकिंग के प्रोसेस में, ओके, बिल्ड के प्रोसेस में, बिल्ड का पता ना सब, ठीक है, ये बात समझ आई। और आप यहां पर देख सकते हैं बाकायदा कि ये जो आपकी पार्शियल क्लास है वो किससे इनहेरिट हुई है, फॉर्म क्लास से इनहेरिट हुई है, और फॉर्म क्या है, फॉर्म ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये फाइल देख रहे हैं आप, क्या सिस्टम्स की लाइब्रेरी के अंदर एक और लाइब्रेरी है विंडोज के अंदर, एक और लाइब्रेरी से हमें फॉर्म्स, और उसमें उसमें से जो फॉर्म है उससे हमें हेड में, ये बात समझ आई, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि क्या हो रहा है, ओके सही है। अब एक और बड़ी बात बता देती हूं, यहां पे सामने यहां पर माय कैलकुलेटर का कंसेप्टर बनाया है, डिफॉल्ट कंसेप्टर, वो पहला फंक्शन जो कॉल करता है उसका नाम है इनिशियलाइज कंपोनेंट्स। आप ख्याल में क्या करेगा, मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं इसके ऊपर जाके कंट्रोल से कंट्रोल प्रेस करूं ना तो आप वो फंक्शन की डेफिनेशन ले जाता, ठीक है, तो ये देखे, ये देखिए क्या हो रहा है, इस इनिशियलाइज कंपोनेंट के फंक्शन में क्या हो रहा है, एक्चुअली आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर ऐड किए थे वो एज ए पॉइंटर ऐड हुए थे, ओके, इस इनिशियलाइज कंपोनेंट के फंक्शन में जो कि कंस्ट्रक्टर में कॉल हुआ है, आप एक्चुअल क्रिएशंस कर रहे हैं। मैंने कितने बटन बनाए थे, हमने तकरीबन 10 बटन बनाए, ये 10 बटन आपको नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अभी तक सिर्फ स्क्रीन का नाम चेंज किया मैंने, ये टेक्स्ट बॉक्स है 0 1 2, तो बाकी सारे के सारे क्या है, बाकी सारे क्या क्या है, अभी तक उनके नाम जो है वो कौन से नाम है जो डिफॉल्ट थे, आपको वो चेंज करने चाहिए, यहां पे चेंज नहीं करने, आपने आपने वहां चेंज करना, ठीक है, ये बहुत जरूरी बात मैंने किया था, क्योंकि अगर आप करेंगे तो इस तरह के मसले आएंगे और वो मसले अच्छे खासे आपको तंग करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप बटन ऐड करें तो आप सीधे सीधे काम करें, क्या काम करें, उसका नाम रीनेम कर दें, ठीक है, क्योंकि आप रीनेम नहीं करेंगे तो आप फिर एक मसला होगा, मैं बताता हूं क्या मसला होगा, ठीक है। और बाद में ये इनिशियलाइजेशन का फंक्शन अच्छा खासा बड़ा फंक्शन है, ये देखें नीचे भी कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है भला, ये जो सारी मैंने उसके ड्रॉप डाउन से की थी ना प्रॉपर्टीज चेंज की थी, वो सारी देखिए चेंज हुई है, यानी मैंने उसका फॉन्ट चेंज किया था, मैंने उसका उसकी लोकेशन चेंज की थी, मैंने उसका नेम चेंज किया था, ये सारी चीज और प्रॉपर्टी मैंने ट्रू की थी, ये सारी चीज यहां पर ऐड हुई थी, ये बात समझ, इसी तरह बटन के साथ जो मैंने किया वो यहां पर ऐड हुआ है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके, ये सारा काम उसने लिख दिया है आपके सामने, आपने कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर, ये बैकएंड पे खुद ब खुद काम होता है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है, वो विंडोज फॉर्म से इनहेरिट हुई है, ठीक है, ये जितने भी कंपोनेंट्स आपने ऐड किए हैं, ओके, वो किस पोजीशन पे ऐड हो रहे हैं वगैरह 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 वगैरह, उसका साइज वगैरह चेंज हो रहा है, इसके लिए आपने अभी तक कोई कोड नहीं किया, कोई भी कोड नहीं लिखा, ओके, ये सारी चीजें कौन मैनेज कर रहा है, विंडोज फॉर्म खुद मैनेज कर रहा है, ओके, बैकएंड, और साथ में बाद में कंपाइल भी होता रहता है, बिल्ड भी होता रहता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, अब मैं आपके सामने बड़ी जबरदस्त चीज करने लगा हूं, दोबारा मैं जाता हूं डिजाइन में, डिजाइन का मतलब है ये वो वाली फाइल है जिसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या था, जिसमें मैं डिजाइनिंग कर रहा था ना, मैंने बार और चीजें भी करनी है लेकिन थोड़ी वो बात मैं करता हूं। पहली बात ये, अगर मैं वन पे क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, आप बताएं, वन शो होना चाहिए कहां पर, स्क्रीन, अच्छा अगर मैं उसके बाद टू प्रेस करूं तो क्या होना चाहिए,
एक मिनट, क्या होना चाहिए उसके बाहर 2 आना चाहिए, है ना, एक्चुअली 12 आना चाहिए। और अगर के बाद मैं 3 पे शुरू करना चाहिए 1231C, अगर उसके बाद मैं 22 तो दोबारा करना चाहिए 12322 होना चाहिए। आपको ये बात समझ आ रही है? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट, ओके। और मैं अब यही करने लगा हूं, ठीक है। लुक एट दिस, मैं इस बटन पर जाता हूं और इस बटन पर जाके डबल क्लिक करता हूं। क्या हुआ? हमारी जो वो फाइल थी ना, जो मेरे आपको दिखाई थी, मैंने वो जो पार्शियल क्लास वाली फाइल थी, जो हमारी जनरेट हुई है ना, मजे की चीज, उसके अंदर एक और फंक्शन की एडिशन हो गई, ओके। और उसका नाम है वन क्लिक, और उसके अंदर ये सेंडर ऑब्जेक्ट आता है और एक इवेंट आर्गुमेंट ई आता है। फिलहाल हमें इन दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्या होते हैं बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन पे क्लिक करें तो हमें कुछ करना है ना? क्या करना है, क्या करना है? एक्चुअली हमने स्क्रीन रिसीव करनी है, उसके डॉट टेक्स्ट पे जाना है ना, और इसके साथ हमने, ओ यार तुझ बंद कर दे यार, तेरी मेहरबानी यार, हाँ। प्लस इक्वल टू क्या करे, प्लस इक्वल टू वन करते, वन नहीं डबल कोट वन, डज इट मेक सेंस? वन पे मैंने वन पे क्लिक किया था, हाँ। जब मैं वन पे क्लिक करूं तो सेंसली होना ये चाहिए कि कंकैटेनेशन होनी चाहिए, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है उस हिसाब क्या हो जाना चाहिए, वन अपलाइड हो जाना चाहिए। आपको ये बात सुन रहा है? देर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम कमिंग। एक बात सुने, पहली बात सुने, एक और बात। अच्छा, अब मैं चाहता हूं यही काम अगले वाले के लिए भी हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहां गया और ये मैंने कॉपी किया और यहां जाके पेस्ट कर दिया और यहां मैंने जाके 2 लिख दिया, ठीक है। ओके जी, यहां गए 3 पे भी मैंने यही काम किया। द ओनली डिफरेंस इज, कैन यू सी ए, कैन यू एक्सपेक्ट देर विल बी ए प्रॉब्लम? प्रॉब्लम होगा ये, व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर पहले ही लिखा हुआ है 0, 0 के साथ आपको अपेंड करेंगे तो वो 0-1 हो जाएगा। यू डोंट वॉन्ट दैट। पहली दफा वट यू एक्चुअली वॉन्ट इज कि वहां पर जो भी लिखा है वो रिमूव हो, ओके। सो लुक एट दिस, अब देखना क्या करूंगा। इस क्लास के अंदर जाता हूं, इसी क्लास के अंदर यहां जाके मैं एक बूल बनाता हूं, इसके नाम रखता हूं इज फर्स्ट, और इसकी वैल्यू मैं 2 कर देता हूं, ठीक है। ऑलराइट, एंड नाउ लुक एट दिस, यहां आके मैं कहता हूं इज फर्स्ट, ठीक है। क्या इज फर्स्ट है? क्या पहली दफा आ रहा है? अगर पहली दफा आ रहा है तो पहले एक काम करो, स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू जाए, क्या कर दो ये कर, और साथ एक और काम भी करो, इज फर्स्ट इज इक्वल टू फॉल्स कर, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इसके बाद क्या किया। हमने कहा क्या इज फर्स्ट ट्रू है? अगर इज फर्स्ट ट्रू है तो क्या करता है, स्क्रीन को जाके पहले तो खत्म करता है, और क्या करता है, और क्या करता है, इज फर्स्ट को फॉल्स करता है, ठीक है। इस फर्स्ट को एक मिनट, इस फर्स्ट, हाँ क्या हुआ? बिल्कुल यही लाइन हमें यहां से कॉपी करनी पड़ेगी और यही हमें यहां पेस्ट करनी पड़ेगी और यही हमें यहां पेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर चल जाना चाहिए, है ना? अगर उसका रिस्पॉन्स फॉल्स फॉल्स होगा तो वो नहीं जाएगा, तो पहले वन लिखा जा चुका हुआ है तो वन के साथ 2 अपेंड हो जाएगा। ये लो जी, ये लो, आयो, ये तुम नहीं कोड कर रही, मैं कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, बस, ठीक है। क्या बात है भाई, क्या बात, ठीक है ना? अब समझ लो, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैंने 1 2 3 का नाम क्या रखा था, 1 2 3 कर दिया था, लेकिन अगर आप देखें तो मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया था। ओहो, चलो चेंज कर देते हैं। तो मैं जाता हूं, इसी पर फुल स्क्रीन खत्म करता हूं,
इसका नाम जाके चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट में जाके लिख देता हूँ जी क्या फोर, ठीक है, और मैं इसका नाम चेंज नहीं करता, भूल गया चार, ठीक है। तो इसका आई कैन शो यू, इसका नाम है बटन सिक्स, ठीक है, बट एवर नाम, जो भी नाम है, और मैं इस पर जाके डबल क्लिक कर देता हूँ, यार हंसने का करना, डबल क्लिक, ठीक है, और थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, थोड़ा सा इसको ऐसे कर, ऐसे ऐसे यहां से बेटा, यहां से, बेड़ा गर्क हो गया, क्या बेड़ा हो गया, तो वो तो ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है। मैं अच्छा, ये विच इज फाइन, इट्स परफेक्टली ओके, ये इस तरह काम कर सकते हैं आप, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड, इट इज नॉट रिकमेंडेड। हुआ क्या, उसका नाम था ना जैसे थ्री अंडरस्कोर क्लिक, तो यहां पे बटन सिक्स आ गया, बटन सिक्स क्यों कह रहे हो, इस पे तो होना चाहिए, एक्चुअली उसका नाम ऐसे फोर है ना, यहां पे बटन फोर, बटन फोर भी नहीं, फोर होना चाहिए था, ये फोर क्लिक हुआ है ना, तो पहले बताए इसका नाम ये होना चाहिए, है ना, आपको समझ में आ रहा है चारों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने मैं ऑपरेटर भी ऐड करूंगा, बैठो, तो उसमें एडिशन होगा, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह। अब अगर आप नाम चेंज करना भूल गए तो एड का नाम होगा बटन नंबर 15, तो आप लिखा हुआ रहा है बटन 15 अंडरस्कोर क्लिक, तो वो तो बड़ा बुरा लगेगा, है ना, एक्चुअली उसका नाम होता है एड क्लिक, एड का बटन नंबर क्लिक हुआ, आपको ये बात समझ आने के चार, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, अगर यार ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, क्या था फोर था ना, मैं कहता हूं फोर, ठीक है। अगर मैं ये कर दूं, अब गौर से देखना क्या हुआ, और मैं यहां जाऊंगा तब भी फिर गई, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेक्ट, अब मैं इसके आगे आपको नजर नहीं आ रहा, मैं अगला पढ़ के दिखा देता हूं आपको, संशली हुआ पता क्या है, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ, हुआ यहां पर ये है, अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल बिल्ड करूं ना, तो ये कहेगा यार ये इस लाइन में मसला आ गया, और मैं लाइन पे क्लिक करूं ना, तो ये तुम्हें वो वाली लाइन पे ले जाएगा जो के उसने ऑटोमेटिकली जनरेशन किया है ना। तो यहां पर देखें, यहां पे बड़ी ये एक लाइन है जो अंडरलाइन हुई नजर आ रही होगा आपको, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, अब मैं आपको बात बताता हूं, एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि बटन सिक्स जो है, जो उसका नाम था, उसके अंदर एक डॉट क्लिक का फंक्शन है, और ये बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड इवेंट हैंडलर, और इवेंट हैंडलर उसके अंदर होता है, जो भी आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, इग्नोर दैट, थोड़ा सा साइड पर राउंड आना, ये हमारी क्लास सिखाते हैं, ठीक है। और ये मानता है कि मैंने इसके ऊपर किसको कॉल करना है, किस फंक्शन को कॉल करना है, ओके। और यहां पर मैंने लिखा हुआ बटन नंबर सिक्स, क्या नाम होना चाहिए इसका, क्या नाम हमने चेंज किया इसका, फोर क्लिक, ये बात समझ आई, एंड नाउ आई विल गो देयर एंड इट इज विजिबल, आपको ये बात समझ आई। सो ये मसला हुआ, सो बैक एंड पे बेसिकली क्या हुआ था कि जिस फोर क्लिक पे जो क्लिक होना था, ठीक है ना, वो क्योंकि आपने नाम चेंज किया, तो आपको फिर वहां में भी जाके नाम चेंज करना पड़ेगा, उसका एक फिक्स और भी है, और फिक्स ये है कि उस बटन को डिलीट कर दो और एक नया बटन डाल दो, दैट्स अनदर फिक्स। आपको ये बात समझ में आ रही है, आपकी, ठीक है, ठीक है, बोथ आर फाइन सोल्यूशन, ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा, अब मैं एक काम करने लगा, और काम ये करने लगा कि मैं दोबारा जाता हूं सर बटन, यहां पे मैं एडिशन करता हूं, और इसका नाम रखता हूं जी प्लस, ठीक है, इसका फॉन्ट हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कैन यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूं क्या होगा, तो बटन का नाम है बेसिकली, क्या नाम है, बटन वन नाम है इसका, क्योंकि वो अवेलेबल हो गया था, है ना, तो प्रॉब्लम समझ आया था क्या मसला है, तो वो बटन वन है उसको क्लिक आ जाएगा, नाम क्या होना चाहिए इसका, इसका नाम होना चाहिए एड, ठीक है, और इसका क्या नाम होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए सब्ट्रैक्ट,
ठीक है। और अभी मैं टेक्स्ट भी जाके चेंज कर लेता हूँ, इसका टेक्स्ट का क्या नाम होना चाहिए, माइनस, ठीक है। ऑलराइट, एक काम और कर लेते हैं कि एक और बटन दबा देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं इक्वल, ठीक है, और इसका नाम रखते हैं जी इक्वल, ठीक है, और इसका फॉन्ट बना देते हैं क्या, ठीक है। अच्छा, अब होना क्या चाहिए, थोड़ा सा चीजें, थोड़ी सी मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आई थिंक आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या करने लगा हूं। तो होना यह चाहिए कि जब मैं पहली दफा नंबर लिखूं तो स्क्रीन से एम्प्टी हो जाए और फिर वो कंकैटिनेशन होना शुरू हो जाए, लेकिन जैसे ही मैं कोई ऑपरेटर पे क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, सॉरी वो नंबर कहीं स्टोर हो जाना चाहिए पीछे, क्योंकि वो हमारा पहला नंबर है ना। और फिर क्या होना चाहिए, जब मैं दोबारा कोई ऑपरेटर और बारह जिस ऑपरेटर पर मैं क्लिक करूं वो ऑपरेटर भी कहीं स्टोर हो जाना चाहिए। आपको ये बात समझ आई, ठीक है। So look at this. What I will going to do is the following. इस प्लस पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं और यहां जाके जिस तरह मैंने इज फर्स्ट का वेरिएबल बनाया था, यहां पे मैं बनाता हूं int input one, int input two. यार इसको बंद कर दे यार, प्लीज कैर ओपीआर, ठीक है। ऑलराइट, तो दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास इनपुट हमने लिए और एक हमने क्या लिया, ऑपरेशन लिया, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। अच्छा जी, अब मैं जाके ऐड क्लिक पे ताकि बताया करता हूं, ऐड क्लिक पे जाके देखिए, देखते जाना क्या करूंगा, मैं कहता हूं ऑपरेशन को कर दो क्या प्लस, और बाद में ऑपरेशन मैंने इंटीजर बनाया था, कैरेक्टर बनाया था, कैरेक्टर बनाया था। अच्छा, एक काम और करो, वो ये कि जो मेरा इनपुट वन है ना, इसको बराबर कर दो क्या, वॉस देखें, अगर मैं कर दूंगा स्क्रीन डॉट टेक्स्ट के बराबर कर दूं तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रिंग है और ये क्या है, ये इंटीजर। अच्छा, इसमें ना आई थिंक एक फंक्शन होता है, वो होता है इंट इंट 32 डॉट पास, ये ले, ठीक है। सो पार्स को गौर से देखो तो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कन्वर्ट द स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स इनटू 32 बिट अनसाइंड इंटीजर इक्विवेलेंट, ओके। ये फंक्शन है जो कि इन 32 लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है और ये आप कर सकते हैं कॉल, ठीक है, ठीक है। अगर मेरा थोड़ा टाइम होता तो मैं इसे गूगल में लेकर दिखाता है, गूगल में कैसे करता, ठीक है, या चैट जीपीटी कैसे करता, कि अगर मैंने एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या यूज करनी चाहिए, कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है, ठीक है। सो मैंने इनपुट वन में सेव कर दिया, ओके, ऑपरेशन भी आपने सेव कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। और इसी तरह मैं क्या करूंगा, डिजाइनर में जाऊंगा और माइनस में भी जाके ये कर दूंगा, ठीक है। द डिफरेंस इज कि यहां पर क्या कर देंगे, माइनस करना, ठीक है। और अब इधर जाते हैं, इसके ऊपर जाके इसका नाम मैंने चेंज किया था, इक्वल का था। ऑलराइट, सो जब इक्वल क्लिक हो तो क्या करें, पहला काम इनपुट टू, यानी जो भी इसके अंदर पड़ा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, वो इनपुट टू पे सेव हो जाके, ओके। दूसरी बात क्या हो, सॉरी एक मिनट, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें बेसिकली करना क्या है, स्विच करना है, और स्विच में जाके लिखेंगे हम ऑपरेशन, ओके, और यहां जाके लिखेंगे केस, और केस में जाके लिखेंगे प्लस, हां जी, ओके। नाउ लुक एट दिस, अगर मैंने ऑपरेशन किया हुआ एडिशन तो मैंने आंसर कंप्यूट करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, सॉरी, हाँ जी, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक चीज रह गई है,
और वो ये है कि इज फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू अगेन। आई होप कि आपको ये समझ में आइए मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैं पहला नंबर लिख देता हूं बस दो मिनट दे दो, पांच मिनट नहीं दो मिनट दे, चलो ठीक अच्छा अगर मैं इसे चलाता हूं और चला के फॉर एग्जांपल ये इस फर्स्ट को दोबारा ट्रू करता हूं तो होना ही चाहिए कि जब मैं 1 2 3 4 लिख दूं लास्ट पे क्लिक करूं अब जब मैं दोबारा शुरू करूं तो पुराने वाला रिप्लेस हो जाना चाहिए, है ना। तो इस फर्स्ट को ट्रू करने का मतलब यह है कि वो ऑटोमेटिकली ये काम कर देगा। ओके अगर मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा तो जो भी लिखा हुआ है वो इनपुट टू में आएगा। ओके उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें प्लस करना चाहिए। यहां पर मैं कह स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, अब मेरी बात सुने वॉट्स मैं करूंगा इनपुट वन प्लस इनपुट टू, और यहां गया मैं, अब ये गलती आ रही है, क्यों गलती आ रही है, यहां पर होता है टू स्ट्रिंग। ओके और क्या किया मैंने, ठीक है बात समझ आई, कंट्रोल है फाइव, हमने किया 1 2 प्लस 3 50 समझ आई बात, ठीक है, थैंक यू सो मच।